कभी बताया था करीबी दोस्त मुख्तार अंसारी की मौत पर ओपी राजभर ने साधी चुप्पी। कभी मुख्तार अंसारी को अपना करीबी दोस्त बताने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी की मौत पर चुप्पी साध ली। मामले में ओपी राजभर ने कोई बयान नहीं दिया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मीडिया कर्मियों ने ओम प्रकाश राजभर से बात करने की कोशिश की, जिस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हालांकि राजभर ने ही अभी कहा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपनी माँ के इलाज में परेशान हूँ। आपको यह भी बताते हुए चलते हैं कि जब ओम प्रकाश राजभर विपक्षी गठबंधन में थे तब वह बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से मिलने जाते थे। इसके अलावा उन्होंने मुख्तार अंसारी को अपना दोस्त भी बताया था। इतना ही नहीं, ओपी राजभर कई बार सार्वजनिक मंच से मुख्तार से अपने रिश्ते के बारे में बता चुके हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ओपी राजभर कोई भी बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक है और मौजूदा समय में वह भी जेल में बंद है। साल 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन में सपा के टिकट पर अब्बास अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा गया था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद समाजवादी पार्टी के कई नेताओं द्वारा पूरे प्रकरण की हाई लेवल जांच की मांग की जा रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने हाई लेवल जांच की वाह भी की है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा है कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की जिन परिस्थितियों में भी मौत हुई वह अत्यधिक चिंताजनक है। उन्होंने न्यायालय में अर्जी देकर पहले ही जहर के द्वारा अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। मौजूदा व्यवस्था में तो ना जेल में कोई सुरक्षित है, ना पुलिस कस्टडी में और ना ही अपने घर पर। प्रशासनिक आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को मुंह बंद कर रखने को विवश किया जा रहा है। क्या मुख्तार अंसारी द्वारा न्यायालय में दी गई अर्जी के आधार पर कोई न्यायिक जाँच के आदेश करेगी यूपी सरकार?